हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पूर्णिमास किचन एंड वेलकम टू डेली ब्लॉगिंग ऑफ 90 डेज चैलेंज। आज है डे 54 ऑफ ब्लॉगिंग हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी फूड एंड हेल्दी भोजन एंड व्हाट आई ईट अ डे। आई ईट हाई प्रोटीन डाइट, हाई फाइबर डाइट एंड रिच विद विटामिन एंड मिनरल्स। बहुत अच्छा खाना हम खाते हैं, घर के बने खाने से हम मेंटेन करते हैं हाई फाइबर हाई प्रोटीन, और उससे हम मेंटेन करते हैं हेल्दी लाइफस्टाइल। घर के बने खाने में होता है बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशंस एंड अवॉइड करते हैं बाहर का जंक खाना जिसमें नहीं होता है रिफाइंड शुगर। रिफाइंड शुगर इज़ नॉट रियली गुड फॉर हेल्थ। रिफाइंड मैदा, रिफाइंड ऑयल, ये सारा चीज़ हम अवॉइड करते हैं। नो पैकेज फूड कॉन्सेप्ट रखा है हमने अपनी लाइफ में। नो कैफीन, नो कार्बोनेटेड ड्रिंक। दिस इज हाउ आई मेंटेन माय हेल्दी लाइफस्टाइल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का दिन। घर के बने खाने से मैंने कैसे मेंटेन किया है अपना 90 डेज चैलेंज, और आज है डे 54। तो लेट्स स्टार्ट टुडे। सबसे पहले गुड मॉर्निंग, एंड हियर आई स्टार्ट माय डे विद ब्यूटीफुल वेदर एंड एनवायरनमेंट। मॉर्निंग में मैं ऐसे ग्रीनरी को देखती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। सुबह का स्टार्ट करती हूँ मैं योगा एंड एक्सरसाइज से। 45 मिनट इज़ अनाफ। उसके बाद मैं पीती हूँ नींबू पानी, हनी डाल के, नींबू और हनी और ठंडा से थोड़ा सा पानी। सबसे पहले लेमन जूस ले लेना है, उसमें डालना है हनी। हनी डाल के इसमें डालेंगे थोड़ा सा ठंडा पानी और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद ये तैयार है हमारा नींबू पानी, बहुत अच्छा होता है सुबह सुबह खाली पेट पीने के लिए। उसके बाद मैंने पिया सत्तू। सत्तू होता है प्लांट बेस्ड प्रोटीन, चने से ये बनता है, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है वे प्रोटीन है ये, बहुत अच्छा होता है योगा एंड एक्सरसाइज के बाद पीने के लिए। प्लांट बेस्ड प्रोटीन है, बहुत हेल्दी है और खाली पेट पीने में बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। प्रोटीन है क्योंकि वेट लॉस के लिए भी बहुत अच्छा है। यहाँ नींबू और थोड़ा सा नमक डाल के इसको घोल लेना है ठंडे पानी में, तैयार है हमारा सत्तू ड्रिंक। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी एंड बहुत ज़्यादा टेस्टी एंड रिफ्रेशिंग एंड हाइड्रेटिंग। इसके बाद मैंने किया लंच। लंच में आज मैंने बनाया भिंडी मसाला, थोड़ा सा दाल और आलू और टमाटर की सब्ज़ी देसी स्टाइल में। भिंडी को सबसे पहले कट करके, साफ़ करके कट कर लेना है ऐसे लंबा लंबा। उसमें डालना है बेसन। बेसन डालने के बाद अब डालना है इसमें हल्दी का पाउडर और थोड़ा सा नमक डालना है इसमें सब, और मसाला थोड़ा सा डालना है। सबको अच्छे से मिक्स करके तैयार कर लेंगे हमारे एक कंसिस्टेंसी। इसमें कोई पानी वानी नहीं मिलाना है, ऐसे ही इसको ड्राई रखना है। बहुत अच्छे से इसमें बेसन मिक्स हो चुका है और इसमें होता है हाई फाइबर क्योंकि ये ग्रीन वेजी है। बहुत ज़्यादा बेनिफिट है भिंडी खाने का। गरम गरम मैंने तेल कर लिया है कढ़ाई में। अब भिंडी को जो मैंने तैयार करके रखा था बेसन में लपेट के, इसको अब डाल देना है। सब फैला के इसको मैंने चारों तरफ रख दिया है और इसको पलट पलट के चारों तरफ से गोल्डन क्रिस्पी कर लेना है, अच्छे से कुक कर लेना है। और ये तैयार हो जाएगा हमारा भिंडी फ्राई, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी एंड हेल्दी। अब बनाएंगे आलू टमाटर की सब्ज़ी भंडारे स्टाइल में। सबसे पहले आलू को बॉईल करके छील के साफ़ कर लिया है, इसको ऑयल में फ्राई कर लिया है, गोल्डन कर लिया है आलू को। अब लिया है कढ़ाई में सरसों का दाना, थोड़ा सा मेथी, थोड़ा सा लहसुन। आप लहसुन अवॉइड कर सकते हैं इसमें। थोड़ा सा डाला है टमाटर, टमाटर को अच्छे से कुक कर लेना है। टमाटर को कुक करने के बाद अब इसमें डालेंगे हल्दी, थोड़ा सा मसाला और इसको अच्छे से अब कुक कर लेंगे। एक चम्मच मैंने होममेड मसाला इसमें डाला है, अच्छे से इसको कुक कर लेना है दो चारों तरफ से चला के। अब इसमें डालेंगे नमक। नमक डालने के बाद जो ऑयल जो हमने आलू को फ्राई करा था ऑयल में, उसको अच्छे से इसमें डाल के चारों तरफ से मिक्स कर लेना है टमाटर और आलू को। आप चाहे तो इसे ड्राई भी रख सकते हैं, ड्राई भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, बट मैं यहाँ ग्रेवी वाला बना रही हूँ। इसमें थोड़ा सा मिर्ची डालेंगे और ऊपर सब डाल देंगे पानी ग्रेवी बनाने के लिए। एक टिप है इसमें, एक आध आलू आप अगर क्रश कर देंगे इसमें तो इसका ग्रेवी थिक हो जाएगा। ये रेसिपी है बहुत ही ज़्यादा ग्रेवी बनाने के लिए, टेस्टी ग्रेवी बनाने के लिए। ऊपर से मैंने डाला है धनिया का पत्ता, बहुत अच्छा स्वाद आएगा इससे इस पर। ये है मेरा संपूर्ण लंच, थोड़ा सा राइस, थोड़ा सा दाल और ये आलू टमाटर की सब्जी जो मैंने अभी अभी बनाई है। और दाल में रखेंगे नींबू, इससे विटामिन सी एनहेंस हो जाएगा। दाल में होता है प्रोटीन, भिंडी में होता है फाइबर
और ये तैयार है हमारा टेस्टी खाना। खाना खाने के बाद हम निकल गए आज घूमने के लिए बाहर। बाहर हम शाम को फिर वापस आ गए, एक मूवी देख ली। और मूवी बहुत इम्पॉर्टेंट है, महीने में एक दो बार मूवी देख लेना चाहिए। उसके बाद लौटते समय हमने ले लिए थोड़े से प्लांट्स, इंडोर वाले, और एक आउटडोर प्लान लिया था। उसके बाद डिनर किया आज लौकी और चने दाल की सब्ज़ी, थोड़ा सा पनीर के साथ और रोटी के साथ। सबसे पहले लौकी ले लेंगे, लौकी को अच्छे से धो के साफ करके इसको छील लेंगे। लौकी में होता है फाइबर, ग्रीन वेजेस है तो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। ग्रीन वेजेस वेरी इंपॉर्टेंट इन डेली बेसिक। उसके बाद इसको कट कर लिया है मैंने, इसे धो के छील के साफ करके, कट करके इसे पतला पतला कट करके मैंने रख लिया है। आराम से बैठ के मैंने इसे काट लिया था क्योंकि बहुत गर्मी हो रहा है, तो आराम आराम से खाना बनाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर कुकर में लिया है तेल, थोड़ा सा लिया है ज़ीरा, ज़ीरे से इसमें अच्छा एक फ्लेवर आएगा। थोड़ा सा मैंने लिया है तेज़पत्ता, बे लीफ, और ग्रीन चिली एक लिया है। चना दाल मैंने थोड़ी देर सोक करने के लिए रख दिया था, ऑयल में डाल दिया मैंने चना दाल और थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा मसाला, कुछ उसे मिक्स कर लेंगे। कुक हो जाएगा मसाला, उसके बाद डाल देंगे इसमें हम कटे हुए लौकी को। लौकी को डालने के बाद ऊपर से डालेंगे नमक। नमक आप इसके हाफ क्वांटिटी के हिसाब से रखें क्योंकि इसमें से अभी पानी छोड़ेगा ये लौकी और ये गल के आधा हो जाएगा, तो आप आधा के अनुसार ही नमक इसमें डालें। सीटी लगा दिया है यहाँ मैंने 2 से 3 क्योंकि दाल को कुक करना है इसमें। दूध को मैंने फाड़ लिया है, छेने का पानी डाल के दूध को पनीर बना लिया है मैंने यहाँ पे। और ये तैयार है हमारा डिनर। प्रोटीन के लिए यहाँ पे है पनीर, फाइबर के लिए यहाँ पे लौकी और 2 रोटी के साथ। यहाँ ख़त्म होता है मेरा दिन, यहाँ हो जाता है गुड नाइट। रात को खाने के बाद मैंने किया थोड़ा सा मूनलाइट के अंडर में थोड़ा सा वॉक, बहुत इंपॉर्टेंट है मूनलाइट, बहुत इंपॉर्टेंट है बॉडी के लिए। मूनलाइट ही हमारे बॉडी के हॉर्मोन्स को कंट्रोल करता है, तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट। और ये था पूरे दिन जो मैंने खाया पिया, मेंटेन किया हेल्दी लाइफस्टाइल, घर के बने खाने से मैं कैसे रखती हूँ अपना हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन, वो मैंने बताया है अपने 90 डेज चैलेंज में। आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं कमेंट में मेरे। और अगर आपको कोई और रेसिपी भी देखना है हेल्दी में, तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि आपको कौन सा रेसिपी देखना है, मैं वो ज़रूर बना के दिखाऊँगी। Thank you for watching Purnima's Kitchen. Like, share and subscribe to my YouTube channel. Do comment your feedback and recommendation. Thank you for watching. Bye-bye.